नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी पेंशन भोगियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों के लिए 7 जून की 5 बहुत महत्वपूर्ण बड़ी खबरें लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में विस्तार से एक एक करके ये क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण खबर केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से प्रकाशित हुई है और इसमें रक्षा मंत्रालय के अधीन जो MBBS और डेंटल में नीट का रिजल्ट आने के बाद सैन्य कर्मियों के बच्चों को, उनकी विधवाओं को और उनकी धर्म पत्नियों के लिए जो रिजर्वेशन कोटा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है 2018-19 के लिए। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ksb.gov.in पर अंतिम तिथि 30 जून 2018 से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। देखिए दोस्तों, ये दूसरी बड़ी खबर सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों के लिए है। अब 199 यानी 199 एडिशनल पॉलीक्लिनिक्स और सैंक्शन हो गए हैं। तो अब इन पेंशन भोगियों को जिनके नियर बाई पॉलीक्लिनिक्स नहीं है वो इसका फायदा उठा सकते हैं, जो रिटायर्ड हैं वो या जो भविष्य में रिटायर्ड होने वाले हैं वो। और दोस्तों, इनकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पर पॉलीक्लिनिक ये इस्टेब्लिश हुए हैं उस हिसाब से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सैन्य कर्मियों के लिए भविष्य में होने वाली फायदे की चीज है। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर सभी पेंशन भोगियों के लिए है। ये PCDA इलाहाबाद की तरफ से सर्कुलर नंबर 599 5 जून 2018 को आया है और इस सर्कुलर का मुद्दा है डिसेबिलिटी और वार इंजरी पेंशन का जो रिवीजन होना है, संशोधन 7th पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार उन पेंशन भोगियों के लिए जो 1 जनवरी 2006 से पूर्व के हैं। इसके संदर्भ में दोस्तों, पहले भी सर्कुलर नंबर 582, सर्कुलर नंबर 585 और सर्कुलर नंबर 596 पहले आ चुके हैं, उनसे काफी स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। दोस्तों, देखने वाली बात ये है इम्पोर्टेंट कि डिसेबिलिटी पेंशन डिस्चार्ज के समय पर जिन पेंशन भोगियों की 50% डिसेबिलिटी पेंशन असेस्ड हुई थी उन पेंशन भोगियों की सर्कुलर नंबर 596 के पैरा 3 के अनुसार राउंडेड ऑफ होकर 75% बनेगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर जिन पेंशन भोगियों की पेंशन थ्रू PPO राउंडिंग ऑफ करके 50% बनी उन पेंशन भोगियों को ब्रॉडबैंडिंग के तहत 50% से 75% नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी पेंशन पहले ही 50% से कम थी। वो तो उनको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट देकर 50% PPO में किया गया था दोस्तों। तो अब ये स्पष्टीकरण इस सर्कुलर के तहत दिया गया है। चौथी बड़ी खबर दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPD की तरफ से है, 24 अप्रैल 2018 को आई है, जो ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके बताया है LTC फैसिलिटी के संदर्भ में उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, लद्दाख रीजन, अंडमान निकोबार और ग्रुप ऑफ आइसलैंड में सेवारत हैं, उनके लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ी हुई है। दोस्तों जब ये कर्मचारी अपने पुराने स्टेशन में परिवार को छोड़कर और इस रीजन में पोस्टिंग आते हैं और ये अपनी फैमिली का ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम नहीं करते हैं, दोस्तों ऐसी स्थिति में सिविलियन केंद्रीय कर्मचारी 2 वर्ष के ब्लॉक पीरियड में होम टाउन के लिए एक बार LTC क्लेम कर सकते हैं, या फिर ये कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक ईयर में संपूर्ण भारत में कहीं पर भी LTC क्लेम कर सकता है एक बार। दूसरी कंडीशन दोस्तों, ये कर्मचारी अपने खुद के लिए एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकता है अपने स्टेशन जहाँ पर पोस्टिंग है वहां से होम टाउन के लिए या जहां पर उसकी फैमिली रहती है साल में एक बार। तीसरा दोस्तों, इमरजेंसी पैसेज कंसेशन के तहत कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में 2 बार इस सुविधा का लाभ अलग से उठा सकता है, होम टाउन और पोस्टिंग स्टेशन के लिए परिवार सहित अपनी फैमिली के साथ अपने इंटाइटल क्लास में। दोस्तों, आज की पांचवी और बड़ी खबर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है, जिनकी पे हाइक्स को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 6 जून 2018 को। दोस्तों, उनकी बेसिक पे टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस के हिसाब से बढ़ी है, जैसे नंबर 1 BPM,
जो जिनका 4 घंटे का टीआरसीए था और लेवल वन में, उनको अब 12,000 बेसिक मिलेगी, और लेवल टू में टीआरसीए जिनका 5 घंटे का था उनको 14,500 रुपए, और एबीपीएम और डाक सेवक जिनका टीआरसीए 4 घंटे का था और लेवल वन में आते उनको 10,000 रुपए बेसिक हो गई है, और जो टीआरसीए 5 घंटे था और लेवल टू में आते उनकी बेसिक 12,000 रुपए हो गई है। और दोस्तों इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर ही इनको डीए लगेगा, कंपेंसेट ग्रांट पे अपॉइंटमेंट मिलेगा इनके डिपेंडेंट्स को, और इनका 3% इंक्रीमेंट लगेगा। और इसके ऊपर मैं डिटेल से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो भाई देखना चाहते हैं वो वहां पर जाकर पूरा डिटेल से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 5 बड़ी खबरें केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सैन्य कर्मियों से जुड़ी हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।